नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें अब सियासी मायने भी कहीं ना कहीं निकाले ही जा रहे हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली, मगर इस बीच शादियों का सीजन भी है। ऐसे में इस समय राजनेता शादियों में भी खूब नजर आ रहे हैं। इन्हीं शादियों में से हुई एक शादी में ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आई है, जो इस समय उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल ये तस्वीर है प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक और भदरी रियासत के राजा भैया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। इस तस्वीर में दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर जब से वायरल हुई है, तब से इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस तस्वीर के सामने आने के बाद हलचल पैदा हो गई है। दरअसल एक समय राजा भैया और समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी और अच्छे रिश्ते थे, मगर राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच पिछले काफी सालों से राजनीतिक दूरियां देखने को मिल रही थी। काफी समय से दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने नहीं आई थी, मगर अब जब सालों बाद अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच मुलाकात की तस्वीर सामने आई, तो इस तस्वीर को लेकर काफी कुछ कहा भी जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ के ताज होटल में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद सिंह गोप के भतीजे का शादी का कार्यक्रम था। इस दौरान राजा भैया भी कार्यक्रम में पहुंच गए। राजा भैया और अखिलेश यादव ने एक दूसरे को जैसे ही देखा, दोनों ने आगे आते हुए और मुस्कुराते एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। अब यहाँ इस मुलाकात और तस्वीर को देखकर सियासी कयास लगने लगे। इस मुलाकात पर तरह तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।